क्षेत्रों में परचम पहराने के बाद यूपी के कारोबार जगत में भी महिलाओं का जादू चलने लगा है। और गुड न्यूज ये है कि उत्तर प्रदेश में 50% स्टार्टअप्स महिलाओं के नाम पर है। और यूपी की बेटियां नई स्टार्टअप के जरिए अपने सपनों को तो पूरा कर ही रही हैं, बल्कि दूसरों को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद कर रही हैं। बात चाहे उद्यम की हो, परिश्रम की हो या हुनर की, महिलाओं का कोई सानी नहीं। यूपी की उद्यमी महिलाओं की कामयाबी इसकी सबसे ताजा मिसाल है। यूपी में स्टार्टअप का इकोसिस्टम महिलाओं को विकास का आधार दे रहा है। नतीजा ये है कि यूपी में रजिस्टर्ड 8,714 स्टार्टअप में से 4,305 स्टार्टअप महिलाओं के नाम पर है, यानी 50% स्टार्टअप महिलाएं ही चला रही हैं। आईआईटी कानपुर है यहाँ पे, उसमें भी स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर है और वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तमाम सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग को स्कीम्स आती है वो हम लोग देते हैं, मैं भी उससे स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे लग रहा है ये सारा जो इकोसिस्टम है, तो महिलाओं की भागीदारी निश्चित ही एक स्वागत योग्य कदम है। अब अनुष्का को ही लीजिए, ये अपने छोटे से ऑफिस में बैठकर देश भर के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रही है। कुछ प्रोडक्ट्स उनके पास तैयार भी हैं ताकि उनके फोटो अपलोड करके अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर उनका प्रचार कर सके। अनुष्का के इस स्टार्टअप के जरिए 100 से ज्यादा कारीगर और घर पर काम करने वाली महिलाएं अपना सामान बेच रही हैं और लाभ कमा रही हैं। बेसिकली ज्यादातर वुमेन्स एंड हाउसवाइव्स और आर्टिजन्स हैं, ठीक है, जिनको हम लोग प्रोडक्ट जो लोग बनाते हैं उनके प्रोडक्ट की हम लोग अपनी वेबसाइट पर लिस्टिंग करवाते हैं। तो इनको अपलोडिंग्स नहीं आती है, इनको इंटरनेट ज्यादा यूज नहीं करना आता है, तो जिसकी वजह से हम लोग उनके लिए काम करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को अपलोड करवाते हैं और उसको मार्केट दे रहे हैं। लखनऊ के बाहरी छोर पर पंचायत भवन में वंदना सिंह अपने अगरबत्ती व्यवसाय के काम को गति देने में जुटी है। जल्दी ऑर्डर पूरा करना है, लिहाजा वंदना अपने वर्कर को काम समझा रही है। कई साल से हाथ से अगरबत्ती बनाने का व्यवसाय करने वाली वंदना सिंह ने लोन लेने के बाद मशीनें खरीदी, अब मंदिर में चढ़ाए जाने वाले फूलों से इको फ्रेंडली अगरबत्ती बनाने का काम करती है। वंदना कहती है कि माहौल और सरकारी योजनाएं अनुकूल होने की वजह से इन्हें अपने व्यवसाय को स्थापित करने और आगे बढ़ाने में काफी मदद मिली है। इससे जो हम लोगों का लाभ हो रहा है, इससे करीब 7 महिलाएं यहाँ पर रोजगार कर रही हैं। मुझे भी, मेरी भी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत अच्छी हुई है। जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि ना तो लोन लेने में किसी तरह की दिक्कत हुई और ना बैंक से ही हमें किसी तरह से परेशान किया गया। गुड न्यूज ये है कि अनुष्का और वंदना जैसी महिलाएं न सिर्फ अपने जैसी महिलाओं को रोजगार दे रही हैं, बल्कि बदलाव के लिए जमीन भी तैयार कर रही हैं। ये सच है कि महिलाओं के हाथों का हुनर हमेशा से अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है, लेकिन ये भी सच है कि उनको उद्यमों के नेतृत्व का मौका कम ही मिलता रहा है। पर अब इकोसिस्टम के लाभ और टेक्नोलॉजी के सहयोग की वजह से स्थिति बदल रही है और उनके सपनों को नई उड़ान मिल रही है। नतीजा ये कि देश के सबसे बड़े सूबे में स्टार्टअप्स में अब महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से भी ज्यादा हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।